हरियाणा सरकार का एक प्रयोग है और बहुत सफल प्रयोग है। पंकज नयन हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा इनका सहयोग में और युवा मोर्चा और हरियाणा पुलिस मिलकर के साइक्लोथॉन प्रारंभ किया। आज वो महेंद्रगढ़ में है, हमने उनका स्वागत किया और ये दिन में 4-5 जगह कार्यक्रम करते हैं मंत्री जी। तो आज इस यात्रा का हमने माननीय ओम प्रकाश जी यादव मंत्री हरियाणा सरकार ने स्वागत किया है और यहाँ के पब्लिक रिलेशन विभाग ने आज का पड़ाव इस यात्रा का महेंद्रगढ़ में है। कल सुबह 7 बजे तुलाराम चौक से मंत्री जी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नशा मुक्ति के एक प्रयोग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक प्रयोग है। अभी आपने मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे हैं। हरियाणा सरकार जो युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है उसके खिलाफ ये कार्यक्रम है। साइक्लोथॉन के माध्यम से साइकिल यात्रा पर 300 लोग रोजाना निकलते हैं। कल ये रेवाड़ी में थी यात्रा, आज महेंद्रगढ़ में है, कल यहाँ से निकलेगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वो मेरे महेंद्रगढ़ की पत्रकार छायाकार मित्रों से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये यात्रा 1 सितंबर को करनाल से शुरू हुई और 25 सितंबर को करनाल में ही ये पूर्ण होगी। हरियाणा सरकार ने अपने आम नागरिक को नशे के विरुद्ध जागृत करने के लिए ये अभियान चलाया है, साइक्लोथॉन साइकिल की यात्रा, और ये सारे प्रदेश के अंदर घूम घूम कर हर जिले के अंदर ये संदेश देते हुए जाएंगे कि नशा कितनी बुरी चीज़ है और इसको हमें छोड़ना चाहिए। किसी भी सूरत में हमें नशाखोर का और नशे में संलिप्त जो असामाजिक तत्व तो हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। और हरियाणा सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिए कि प्रदेश से नशे को जड़ से उन्मूलन करके इसको जल्दी से जल्दी दूर करें। और हरियाणा प्रदेश ने इस प्रकार की बहुत सी पहल पूरे देश के अंदर की है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर 5 स्टेटों का हमारा एक संगठन बना है और जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर स्थापित किया गया है और ये 5 स्टेटें मिलकर इस नशा उन्मूलन के अभियान को एक साथ चलाने का प्रयास कर रही है और बहुत हद तक हरियाणा प्रदेश को इसके अंदर सफलता मिली है। और दूसरी तरफ साथ साथ जो भाई नशे की लत में पड़ गए हैं उनको छुड़ाने के लिए हमने 139 नशा मुक्ति केंद्र प्रदेश के अंदर खोले हैं और उनके माध्यम से हम लोगों को नशा छुड़वाने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर इस बात को समझते हुए कि नशा किसी भी सूरत में हमारे प्रदेश के अंदर नहीं रहना चाहिए, हमने कानून बहुत सख्त कानून बनाए हैं नशाखोरों के विरुद्ध, जिसके अंदर उनके जो नशे का धंधा करने वाले लोग हैं अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके मकानों को ध्वस्त करना, उनके आशाने को ध्वस्त करना, उनको जेल की सलाखों में भेजना और जमानतें ना होने का ऐसा कानून हमने बनाया है ताकि जल्दी से जमानत ना हो सके। तो चहुमुखी प्रयास हमारा है और लोगों से अपील करते हुए कि सभी लोग इसके अंदर सरकार का सहयोग करें। ये साइकिल यात्रा इस बात के लिए निकाली जा रही है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे। जिस तरह से जो यात्रा है इसका थीम है नशा मुक्त हरियाणा, तो युवाओं में एक प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है नशा को लेकर, तो युवाओं के लिए क्या संदेश है? ये सारा युवाओं के लिए है, देश के लोगों के लिए है कि कोई भी व्यक्ति चाहे युवा हो बूढ़ा हो कोई भी नशे के अंदर संलिप्तता किसी प्रकार की बढ़ा ना पाए। ये एजुकेट करने के लिए, लोगों के समझाने के लिए ये साइकिल यात्रा, उन्हीं को ये संदेश देने के लिए। जैसे कि हरियाणा के सभी प्रदेशवासी जानते हैं यह साइकिल यात्रा 1 सितंबर से करनाल से शुरू हुई थी जो कि एंटी ड्रग इंडिया के मैसेज फैलाने के लिए है।
और आज 9 सितंबर को ये साइकिल यात्रा कोटिया होते हुए, कनीना होते हुए महेंद्रगढ़ पहुंची है। जैसा कि आप आज जानते ही हैं कि कोटिया में इनका बहुत ही भव्य स्वागत करा गया, फिर गुढ़ा में और रास्ते में आते हुए सभी गाँवों में ये साइकिल रैली नशा मुक्त करने के लिए अपना मैसेज फैलाती आई है। और आज शाम में महेंद्रगढ़ में इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम करके आज का दिन समाप्त हुआ है। और अब कल सुबह 7 बजे राउतोलाराम चौक महेंद्रगढ़ से साइकिल रैली महेंद्रगढ़ जिले से निकलेगी चरखी दादरी की ओर सतनाली से होते हुए। तो सभी जिला वासियों से यह अपील है कि जितने ज्यादा भाग नंबर में हो सके आप सुबह राउतोलाराम चौक 6:30 बजे पहुंचिए और इस साइकिल रैली में भाग लीजिए। आज हमारे जो लोकल विधायक हैं MLA श्री सीताराम यादव जी, उन्होंने इन साइकिल रैली का कनीना में प्रवेश करने पर स्वागत किया। शाम के कार्यक्रम में हमारे जो मंत्री साहब हैं MLA नारनौल, उन्होंने एज चीफ गेस्ट यहाँ पे शिरकत दी। साथ में रामबिलास शर्मा जी, दयाराम जी सभी यहाँ पर मौजूद थे। और कल सुबह भी सभी के उपस्थिति में यह साइकिल रैली शुरू करी जाएगी। इसमें जी जो जिले का एक साइकिलिस्ट जो सबसे ज्यादा साइकिल चलाएगा उसको साइकिल दी जाएगी। प्रशासन ने इसकी व्यवस्थाएं कैसी की है, सुरक्षा की व्यवस्था अपने साइकिल जी? आपने आज देखा ही होगा कि सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे पुलिसकर्मी खड़े करे गए हैं। ठहरने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है, पुलिस द्वारा और प्रशासन मिलकर करा रहा है। हर तरह की अच्छी सी तैयारी करी गई है और सबसे अच्छी तैयारी जो मुझे लगता है करी जा रही है वो रास्ते में आने वाले सभी सरपंचों और ग्रामवासियों द्वारा करी जा रही है, जो इनका जोर शोर से हर गांव में पहुंचने पर वेलकम भी कर रही है और उनका आदर और सत्कार भी कर रही है।